तो यहाँ पे हमें मिल गया है रूम और हमने ले लिया है रूम। अच्छा, एक हमें दो तीन रूम चाहिए थे, हमने एक लिया है नीचे। और मेरी रूम जो है ऊपर स्टेयर्स में है, मतलब ऊपर की तरफ लगभग टोटल 8-9 स्टेप्स हैं। तो मैं आ चुकी हूँ ऊपर, तो हमारा रूम देख लीजिएगा। तो हमारी रूम है एक वाली ये, और साइड में एक बेड है, मतलब दीवान जैसा। तो हमें यहाँ पे ये वाली रूम मिली है और अच्छी भी है। अभी ठंडी के लिए ना गर्म चाहिए था, लेकिन अच्छी है रूम। और हमें बाहर भी स्पेस है और यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स भी कर सकते हैं, स्पेस इतनी सारी है। और फिर ऊपर के स्टेप्स, यहाँ पे है वॉशरूम, हमारा लगेज भी ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पे मैं रूम से बाहर आ गई हूँ, अभी मैं चलती हूँ रेस्टोरेंट की तरफ, कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि मैंने बस में कुछ भी नहीं खाया था वॉमिट की वजह से। तो मैं भी फ्रेश अप हो गई हूँ, अभी चलती हूँ नीचे और कुछ फटाफट से खा लेते हैं। वो बहुत तेज़ लग रही है, तो चलो। तो हमने रूम तो ले लिया, फ्रेश अप वगैरह सब कुछ हो गए, अब चलते हैं हम लंच करने के लिए। एकदम रात हो गई है, लेकिन कुछ ना कुछ लेके खाना पड़ता है। लंच हमने नहीं करा था, भूख बहुत ज़ोर की लग रही है, तो अभी कुछ लेके खा लेते हैं। बच्चों भी कुछ भी नहीं खाए थे बच्चे भी, ताकि वॉमिट की वजह से ना कोई भी लंच नहीं करा था। जब बस रुकी थी उस टाइम पे भी हम लोग कुछ नहीं खाए थे, डर था इतना ज़्यादा। तो अभी चलते हैं लंच करने के लिए। कुछ रेस्टोरेंट अच्छा सा देख लेंगे, उसके बाद करेंगे अपना लंच या डिनर, कुछ भी बोल रही हूँ। टाइम अभी बज रहा है 6। மகரீப் தொழுகைக்காக வேண்டி மஸ்ஜிதிற்கு செல்லுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். ஆங்காங்க யாரும் செல்ல तो यहाँ पे बिरयानी ऑर्डर कर रहे हैं, वो बिरयानी आ चुकी है। अभी बाकी का साइड डिश जो है कबाब वगैरह वो भी आएगा। तो गरम गरम है, ठंडे होने से पहले फटाफट खाना पड़ेगा, क्योंकि ठंडी कितनी ज़्यादा है यहाँ पे। पहले खा लेते हैं, उसके बाद में दूसरा जो साइड डिश आएगा वो भी आपके साथ ऐड करके दिखाऊंगी। यहाँ पे हमने खा पी लिया, हमारा काम जो है रेस्टोरेंट का ख़त्म हो गया। इसी आवाज़ की वजह से मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करा है, मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी आवाज़ है। तो केरला साइड से है, जो यहाँ पे कुछ बयान वगैरह हो रहा है, तो मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। जो मैंने पहाड़ों में घर दिखाई थी दिन का टाइम, मतलब जब हम आए थे यहाँ पे, तो अभी रात का टाइम हो गया। रात क्या, ज़्यादा से ज़्यादा 7 बज गए हैं, अभी 7 o'clock को 5 मिनट्स बाकी हैं। देखिएगा कितना अंधेरा हो गया, बस लाइटिंग आ रही। हाँ, हालांकि इतनी बड़ी बिल्डिंग है ऊपर की तरफ, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे खाली लाइट है। तो मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। तो जो ये मैं जूम कर रही हूँ, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, और यहाँ तो बस घर है और यहाँ पे बिल्डिंग, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसा कि कोई लाइट जल रही है। तो उस वाली होटल में ना मैं कोई वीडियो शूट आगे नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ पे था वो, मैंने खाई थी इसके बाद पराठा आमलेट,
सब कुछ हमने खा लिया था। अच्छा, वो वॉइस की वजह से मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। अब यहाँ पे मैं वो वाला भी आपको मैंने दिखाया है, केरला का कहीं फंक्शन चल रहा है कोई मदरसे का, तो वो भी मैंने आप लोगों के साथ शूट करा है। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। अच्छी लगी तो फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर लीजिएगा। पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बिना भूले आप सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ साइड में लगा हुआ बेल को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाले व्लॉग्स आपको पहुंच जाएंगे और नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा आपको, तो आप मेरा व्लॉग सबसे पहले देख सकते हैं। तो अब देखते हैं कहाँ जाना है, थोड़ी देर घूम फिर लेते हैं, उसके बाद जाके हमें रेस्ट करेंगे, फिर कल सुबह से हमें घूमना ही है। तो आज का एक दिन जो है रेस्ट ले लेते हैं, क्योंकि सुबह से मैं कल रात भी सोई नहीं हूँ, बहुत ही हो गई थी, मतलब पैकिंग वगैरह क्लीनिंग सब कुछ बहुत ही लेट हो गया था। ऐसे ही हमें फ्रेश अप होके निकल गए थे, और अभी यहाँ पे 7 o'clock है। मैंने बस में थोड़ी देर सो गई बस, अभी तक मैंने कोई रेस्ट नहीं करा। अभी मैं थोड़ी देर यहाँ पे घूम लेती, फिर जाके रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैं कल सुबह से घूमूंगी और सारे व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। विदाउट स्किप करें मेरी वीडियोज़ को देख लीजिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा कि मेरे वीडियोज़ कैसे आपको लगी। तो वहाँ से चलते चलते हम इस साइड पे आ गए, यहाँ तो यहाँ पे टी स्टॉल पे खड़े हैं, अभी लेंगे चाय कॉफ़ी, उसके बाद हम चलेंगे फिर अपने रूम की तरफ। अच्छा, जो होटल था हमारा स्टेशन के पास में ही था, थोड़ी दूर हम चलते चलते बाय वॉक ऐसे ही घूमते फिरते हम यहाँ पे स्टेशन तक पहुँच गए। सोचा था कि अंदर स्टेशन देख के आते हैं कैसा है, तो यहाँ पे बैठी हूँ मैं ऐसे ही व्लॉग बना रही हूँ, रात का अंधेरा है और कोई भी नहीं है। जो हैं मेरे भाई और फ्रेंड सिस्टर वगैरह सब कुछ हैं, तो यहाँ पे वो लोग फ़ोटो ले रहे हैं और मैं यहाँ स्टेशन पे बैठी हूँ, तो लोग वहाँ पे फ़ोटोज़ शूट कर रहे हैं। तो ठंड में ना बाहर निकलने का कुछ मज़ा ही अलग है। वहाँ पे इंजन एक लगी हुई है, शायद दिन में दिखेगा, अब रात में तो कुछ भी नहीं दिखता। और वो रहे वहाँ पे फ़ोटोज़ ले रहे हैं वो लोग, और यहाँ पे देखिएगा कोई भी नहीं है, बस गिने गिने आदमी हैं स्टेशन में, 2-3 हैं, 3 आदमी हैं, एक लेडीज़ हैं बस, और कुछ नहीं। और जो मेरी फ्रेंड है वो ब्रदर, बस इतने ही हैं, बाकी यहाँ वाला स्टेशन भी पूरा खाली हो गया। अभी बज रहा है नाइट 8 o'clock, तो मज़ा आ रहा ठंडे में। तो यहाँ पे उनकी फ़ोटो शूट वगैरह सब कुछ हो चुकी है, तो मैं दिखाती हूँ इन लोगों ने कहाँ फ़ोटो ली है। आई लव ऊटी, तो इतना क्लियर नहीं है क्योंकि मैं जूम करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पे जाके फ़ोटो शूट करी है इन लोगों ने आई लव ऊटी की तरफ, और यहाँ पे बहुत ही अंधेरा हो गया और साइलेंट तो बहुत ज़्यादा है, और ठंड भी बहुत अच्छी लग रही है ठंड, लेकिन बस इतना ज़्यादा भी नहीं कि संभाल ना सके, संभाल तो लेते हैं ठंड में। और हमारी रूम में गीज़र वगैरह आने तो रहता ही है, बस जाना है अब रेस्ट लेना है। तो हमने सोचा भाई वॉक थोड़ी देर घूम फिर लेते हैं, आए हैं तो घूमने के ही लिए, तो थोड़ा बहुत घूम लेते हैं, इसलिए हमने घूम लिया है। यहाँ पर स्टेशन भी देख लिया, अब फिर चलते हैं आगे आगे।